वेलकम टू मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि लेजर अकाउंट डिलीट या ऑल्टर कैसे करते हैं। पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि इंडिविजुअल लेजर जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं मल्टीपल लेजर, और दूसरे वीडियो में देखा था कि मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई लेजर अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है अगर और उसमें कुछ डिटेल्स चेंज हो जाते हैं तो वो डिटेल्स कैसे चेंज करते हैं, और एक आध अकाउंट जो है आपका वो अगर गलती से क्रिएट हो गया हो कि उसका कोई मायना नहीं रखता आप उसको, तो आपको और वो आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे डिलीट करते हैं वो हम जान लेते हैं। तो अकाउंट के डिटेल्स जो है वो ऑल्टर करने के लिए या डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में। वहाँ पर जाकर आपको एंटर की प्रेस करनी है। वहाँ पर लेजर्स में जाना है। लेजर में, सिंगल लेजर में और मल्टीपल लेजर में, दोनों जगह आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑल्टर का। ऑल्टर का तो पहले हम देखते हैं सिंगल लेजर को ऑल्टर कैसे करते हैं। तो पहले ऑल्टर पे जाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद में अगर मान लो कि मुझे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है वो अगर कुछ चेंज करना है, तो मैं जो अकाउंट में चेंज करना है वो अकाउंट में यहाँ पर जाऊँगा और वो अकाउंट सिलेक्ट कर लूँगा। वहाँ पर जाके वापस एक बार एंटर की प्रेस कर दूँगा। तो ये जो विंडो है वो मैंने खोली हुई है। तो यहाँ पर आपको सारे जो डिटेल्स है जो आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते वक्त फिल इन करते हैं तो वो एडिट करने की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपका बैंक का एड्रेस चेंज हो गया या फ़ोन नंबर कुछ चेंज हो गया है या फिर आपने आपको कुछ चेंज करना है इसमें, तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। जैसे कि IFSC कोड आपको अगर डालना है, ब्रांच का नेम जो है वो आपको डालना है, तो आप यहाँ पर आके डाल सकते हैं, और कुछ चेंज करना है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब मान लो कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है वो मेरा गलती से ही खुल गया है, कुछ तो मतलब ये डबल हो गया है, या डबल मतलब कोई माइनर उसमें डिफरेंस है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है और दूसरा कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, इतना ही कोई नया अकाउंट है ऑलरेडी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो अगर वो मुझे डिलीट करना है तो वह भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर मल्टीपल लेजर्स अगर हो गए होंगे और वो मुझे डिलीट करने हैं तो कैसे करता हूँ। मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे दो अकाउंट्स आपको दिखाई देंगे होंगे, वेजेस अकाउंट एक है और एक वेजेस पेड का अकाउंट है। तो अल्टीमेटली मेरे दोनों अकाउंट नाम खाली दो थोड़े थोड़े अलग से है, लेकिन बाकी सब जो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो वेजेस और वेजेस पेड अकाउंट, ये दो अकाउंट्स मेंटेन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से एक अकाउंट जो है वो मुझे डिलीट करना है, तो वो डिलीट मैं कैसे करूँगा। तो मान लो कि मुझे वेजेस अकाउंट जो है ये पहला वाला, सेकंड लास्ट वाला, तो वो मुझे डिलीट करना है, तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर वो मुझे पूछेगा कि अगर मुझे कुछ डिटेल्स जो है वो चेंज करने हैं या इसमें, तो मुझे तो डिटेल्स चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये डिलीट ही करना है। तो ये डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो है Alt+D, याद रखिए Alt एंड D, ये की अगर मैं प्रेस करता हूँ तो वो यहाँ पर मुझे पूछेगा कि अब मुझे ये डिलीट करना है क्या, येस और नो। तो यहाँ पर मैं Y की दबाता हूँ तो ये डिलीट कर देगा, N की दबाता हूँ नो तो ये डिलीट नहीं करेगा। तो फिलहाल ये डबल अकाउंट हो गया है, दो अकाउंट मेंटेन करने का कुछ मतलब नहीं है, इसलिए मैं Y की प्रेस कर रहा हूँ। तो ये अकाउंट अब यहाँ से चला गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक ही अकाउंट यहाँ पर बाकी रह गया है, वेजेस पेड का। तो वेजेस अकाउंट जो पहले दिखाई दे रहा था वो तो मैंने डिलीट कर दिया है, वो अब रहा नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे आप डिटेल्स जो है वो अकाउंट के जो है वो चेंज कर सकते हैं। वैसे ही आप मल्टीपल लेजर्स जो है वो भी ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो बैंक अकाउंट के कैटेगरी में मैं गया, ग्रुप में गया, तो यहाँ पर सारे मेरे बैंक अकाउंट के नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने ये वीडियो में देखा कि लेजर अकाउंट के जो डिटेल्स है वो ऑल्टर कैसे करते हैं, या अगर मल्टीपल लेजर्स क्रिएट हो गए तो वो डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।